इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल ऑफ यंग मॉडुलस फाई, और उसका रेडियस आर से लेके कितना हो गया, 3R हो गया, और नीचे मास एम लगा दिया, तो इक्वल आपको बताना है कि एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द वायर क्या हो गई। बस मुझे ये बता दें कि अगर ये वायर ऐसी है, ये मैंने करवाया भी था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, अगर ये वायर कॉनिकल है और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस 3R है, तो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 आएगा क्रॉस सेक्शन का, लेंथ इसकी कितनी है, एल है, तो बताएं जब मैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाऊंगा, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो एरिया क्या पुट करूंगा, करवाया था मैंने, एरिया अंडर रूट ऑफ A1 A2 बताया था, ऊपर और नीचे का ज्योमेट्रिकल मीन ये करवाया था, आपकी शीट में लिखा हुआ है रूट A1 A2। नॉर्मली वायर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, पर अगर डिफरेंट हो तो अंडर रूट ऑफ A1 A2 लेना है, बस इसमें यही क्वेश्चन है। तो आपने इसमें mg फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, एरिया की जगह रूट A1 A2 पुट करके एरिया आएगा, यहां से डेल्टा एल आ जाएगा। उसने ये नहीं पूछा कि वायर कितनी लंबी हुई ये बताओ, डेल्टा एल नहीं पूछा, उसने कहा नई लेंथ बताओ वायर की क्या होगी, नई लेंथ में पुरानी लेंथ क्या थी एल, अब नई लेंथ क्या होगी एल प्लस डेल्टा एल, तो एल में डेल्टा एल ऐड करके आंसर आएगा, ऐसी ऑप्शन आपको पुराने पेपर में मिलेगी, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है इसमें, ये पुराने पेपर में सब मिलेंगे, ये क्वेश्चन ये भी एक मतलब आने वाला क्वेश्चन है, आ जाता है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ स्पीड वी एंड एक्सेलरेशन ए ऑफ अ पॉइंट मास फॉलोइंग वर्टिकली इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ फोर्स माइनस के वी। मुझे बताओ ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, टॉपिक क्या दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, किस टॉपिक का नाम पूछ रहा हूं, बस ये नहीं पूछ रहा क्या आंसर होगा, टॉपिक किया हमने ऐसा, टर्मिनल वेलोसिटी, बिल्कुल सही। तो अगर मान लो कि वो कह रहा है कि एक बॉडी है, एक बॉडी नीचे गिर रही है विस्कस लिक्विड में, ठीक है, वेलोसिटी वी और एक्सेलरेशन क्या है ए, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है माइनस के वी, हमने पता है क्या की थी, -6πeta rv विस्कस फोर्स, तो यानी कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। बोलो ये फोर्स ऊपर लगेगी कि नीचे लगेगी, बॉडी नीचे गिर रही है मास की, ऊपर की नीचे, ऊपर, क्यों, अपोजिंग फोर्स है, माइनस है, माइनस के वी, तो अपोजिंग फोर्स कहां लगेगी, ऊपर लगेगी, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। अब आपको ये बताना है टाइम के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपनी वैल्यूज को कैसे चेंज करेंगे, तो समय के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, समय के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगी, तो टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, वेलोसिटी पहले आपने मान लो एक बॉडी को टर्मिनल वेलोसिटी याद करो, आपने रेस्ट पे छोड़ा, फिर वो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट होती हुई बॉडी नीचे चली जाएगी, जैसे यूज इक्वल टू जीरो पे छोड़ा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 इज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी बहुत देर के बाद एक्वायर होती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी की कहां से होगी, जीरो से, तो ये ग्राफ तो हो नहीं सकता वेलोसिटी का, ये हो सकता है, पर यहां पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी 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 और फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ये देखो टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ स्टेट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर है। अब कांस्टेंट यहां पे भी है और कांस्टेंट मान लो यहां पे भी, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन सी मार्क करें कि डी मार्क करें, फिर हमें क्या ख्याल आए, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का क्या क्या बोलते हो, देखो एंड में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन का क्या होना बनता है, जीरो, बहुत टाइम के बाद एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो जब मैंने देखा ये भी जीरो और ये भी कुछ टाइम के बाद जीरो होने वाली है, अब मैं कंफ्यूज हो गया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि फैसला तो एक्सेलरेशन ही करेगा, ठीक, तो फिर मुझे थोड़ा मैथमेटिकल सोचना पड़ा, आपको नहीं सोचना, ये मेरे लिए है आपके लिए नहीं है, कि ग्राफ ऐसा क्यों बना, हम इस ग्राफ को याद करेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ है ये, टर्मिनल वेलोसिटी का स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसका आंसर सी है, लीनियर नहीं बनता एक्सेलरेशन, मैं आंसर देने जा रहा हूं लीनियर क्यों नहीं बनता, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप प्लीज आंसर सी याद कर ले इसे। जब ये बॉडी नीचे गिरेगी, वेट से नीचे गिरेगी, अपोजिंग फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अब यहां से एम ए की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाय डीटी, तो ये पूरी टर्म वेलोसिटी की टर्म है, इसमें वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर मैथ्स की हेल्प से इसे इंटीग्रेट करेंगे, बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, जीरो और कुछ देर के बाद क्या हो गई, वी, जब जीरो थी तो टाइम जीरो था, टी टाइम पे वी हो गई,
फिर मैथ प्लस टू का काम आएगा, मेडिकल को देखना ही नहीं है, इंटीग्रेशन का पार्ट आराम करें, नॉन मेडिकल वालों को मैथ के टीचर सिखा देंगे, इसे इंटीग्रेट करके एक्सलेशन जो आती है वो एक्सपोनेंशियल आती है। इसलिए कह रहा था इसका प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, करना भी नहीं है, आप याद करेंगे। मैं ये आपको मतलब कल को कोई पूछ ले सर आपको कैसे पता कि एक्सलेशन लीनियर नहीं आती ऐसे आती है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये करके देखें तो एक्सलेशन जो है वो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करता, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, वी कैसे चेंज होता है और ए कैसे चेंज होता है, कल को पेपर में आ जाए सीधा मार्क कर देना, क्लियर है। बुक्स में सीधा ही मार्क है, सॉल्व है भी नहीं, बहुत कम बुक्स में सॉल्व है, ठीक है, सिर्फ बताने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट है फ्लूड फ्लो। देखो जो फ्लूड फ्लो है इसमें मेन पार्ट थी, जो पार्ट था स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो है। इसमें क्या की थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1V1 = A2V2, और एक इंपॉर्टेंट थी इसमें बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज प्रिंसिपल में P/ρ + gx + V2 = a constant, तो एनर्जी कंजर्वेशन में वैलिड है, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में वैलिड है, ठीक है, तो बस इतना ही है। फिर हमने इसकी थ्योरी की थी, एनसीईआरटी के टॉपिक भी किए थे, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल किया था, मुझे अच्छे से याद है, ये वाला एरोप्लेन वाला, जिसमें बताया गया था एक प्लेन उड़ रहा है, एक प्लेन के ऊपर और नीचे की वेलोसिटी दे रहा है 70 और 63, फिर आपको ये पूछ रहा है विंग का एरिया ले लो, विंग पे फोर्स बताओ क्या लगेगी। तो एरोप्लेन का उड़ना फॉलोज बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी हम लेते नहीं है, उसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ से V1 V2 पता है, प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। याद आ रहा है बर्नौलीज थ्योरम हमने ऐसे की थी, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, राइट। अब इसके बेस पे है ना, इसके बेस पे जरा देखें, इस जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई इसके बेस पे क्या है हुआ है। ये लो, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, अच्छा क्या गिवन है ये देखते हैं। इस फिगर में एक लिक्विड है और वो क्रॉस सेक्शन मूव कर रहा है, क्रॉस सेक्शन ए का पता है तो क्या पता है, ए वन पता है, बी का क्रॉस सेक्शन पता है क्या पता है, ए टू पता है, इंपॉर्टेंट ये है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये एम एम स्क्वायर है, भूलना नहीं है, यूनिट सेम करने हैं। स्पीड बी पे पता है, यहाँ पे वी टू भी पता है कि बी पे क्या स्पीड है, तो आपको बताना है प्रेशर डिफरेंस ए और बी का क्या है। तो अगर मैं पूछूं V1 क्या होगा, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कैसे, A1 V1 = A2 V2 से, तो यहां से क्या जाएगा, V2 आ गया, तो V2 निकाल लेंगे, तो V2 की वैल्यू आ गई इसमें। अब जब V2 की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई, दोनों चीजें आ गई, ये V1 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी V2 नहीं, V2 पता है, V1 आ गया, आपने क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। अब क्या लगाएंगे, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम में ये थ्योरम लगाएंगे, P2 / ρ + G × H + V2² / 2, तो ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसल, तो यहां से P1 - P2 / ρ = V2² - V1² / 2, तो यहां से क्या निकलेगा, P1 - P2 कैन बी कैलकुलेटेड, इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, एक इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, एक बर्नौलीज आंसर, ये तो CBSE NCERT के अंदर स्कूल लेवल प्रॉब्लम है, ऐसी तो की थी हमने, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये क्वेश्चन सिर्फ टाइप बता रहा हूं, देखो क्या लेवल आ रहा है पेपर का, इसे देखें, ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बर्नौलीज थ्योरम पे है,
ठीक है, इसमें प्रॉब्लम समझ में आई क्या है ना? मैं पूछता हूँ आपसे एक एक करके, ठीक है, मुझे बताना आपने कैसे सोचा। मुझे सिर्फ ये बताएं, एक प्लेन उड़ रहा है, प्लेन का मास दे रहा है वो आपको, मास से वेट आ जाएगा, एरिया दे रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर प्लेन के ऊपर इतना प्रेशर है। एक्चुअली प्लेन की जो शेप है वो तो स्ट्रीमलाइन है ना ऐसी, तो एक्चुअल में ये पता है क्या दे रहा है आपको, प्रेशर का डिफरेंस दे रहा है, एम जी बाय एरिया, एवरेज प्रेशर, मीन प्रेशर का मतलब एवरेज प्रेशर दे रहा है, तो प्रेशर का डिफरेंस दे रहा है उसने, पी टू माइनस पी वन या पी वन पी टू दे दिया। प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि प्लेन उड़ रहा है विद अ स्पीड ऑफ, प्लेन उड़ रहा है 1080, यार ये क्या दे रहा है, मेरे को हवा की वेलोसिटी ऊपर चाहिए और नीचे भी चाहिए, ये तो एरोप्लेन की वेलोसिटी दे रहा है, क्या लूं, क्या करूं, ये क्या है, V1 लूं V2 लूं, क्या है ना, तो ये ऊपर की ना ये नीचे की, ये तो प्लेन की वेलोसिटी दे क्या ना, एवरेज वेलोसिटी है, तो ऊपर की हवा की नीचे की का एवरेज दे रहा है, यानी कि हमें दे रहा है V1 प्लस V2 बाय 2 दे रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है, जब वो प्लेन की वेलोसिटी देगा ऊपर नीचे नहीं देगा, आपने एवरेज लेनी है, ठीक हो यहाँ तक, बस उसके बाद तो कुछ बचा ही कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, P2 माइनस P1 दे रहा है, बर्नौलीज लगा दी, बर्नौलीज में P2 माइनस P1 एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो इसके अंदर ये दे रहा है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज V1 माइनस V2 इनटू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 तो निकल जाएगा एवरेज से, तो यहां से क्या जाएगा V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 आ गया, V1 प्लस V2 आ गया, सॉल्व करके V1 V2 आ गया। वो पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। अब अगर अगर आपके पास V1 V2 आ गया, बस फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो V1 माइनस V2 बाय V1 इनटू 100 कैन बी कैलकुलेटेड, फिर आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिक चीज थी वो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, एवरेज कैसे होगा, ये नई चीज थी, ये हमने बुक्स में देखी नहीं है, ठीक। चलो इन एनी केस सर एक बार P2 माइनस P1 वाली चीज बता दो। देखो P2 माइनस P1 में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रही है और किसी एरिया पे लग रही है, लोगों का भार है, लोगों का भार लग रहा है, फ्लोर पे लग रहा है, नो डाउट ये ना फ्लोर का प्रेशर है, ये फ्लोर का प्रेशर, छत का प्रेशर नहीं है, पर छत का प्रेशर निगलिजिबल है क्योंकि लोग फ्लोर पे जोर लगा रहे हैं, हवा पे, छत पे फ्लोर नहीं लग, प्रेशर नहीं लगा रहे, तो हम इसका प्रेशर का डिफरेंस ले रहे हैं P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 ऐसा। ओके सर ठीक है तो ये एवरेज बात, ये एग्जैक्ट नहीं है, P2 माइनस P1 mg / एरिया को एग्जैक्ट बात नहीं है, एवरेज ले गया, वेलोसिटी भी एवरेज में ले गया, प्रेशर का डिफरेंस भी एवरेज में ले गया, ऐसा कुछ किया इसने, ये तो देखो हो जाएगा। क्या दे रहा है, एक लिक्विड है और इसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे रहा है, A1 दे रहा है, और क्या दे रहा है, A2 भी दे रहा है, ध्यान से यूनिट, ध्यान से, इफ ये जो पिस्टन है इसकी स्पीड दे रहा है V1, आपको इसमें V2 निकालना है, तो क्या लगाएं, A1 into V1 is equal to A2 into V2, तो यहां से सॉल्व करके निकाल लेना V2, क्वेश्चन हो तो ऐसा है, ठीक है, आसान है, तो NCERT भी टपा पड़ा है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, ग्लिसरीन जिसकी डेंसिटी दे रहा है, डेंसिटी है कॉनिकल सेक्शन ऑफ द पाइप, कॉनिकल सेक्शन है एक बड़ा एक छोटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 दे रहा है और A2 भी दे रहा है, एंड प्रेशर ड्रॉप भी दे रहा है, ये P1 है, ये P2 है, और आपको P1 माइनस P2 प्रेशर का ड्रॉप दे रहा है। क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन, क्या निकालना है, A1 into V1, रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, या निकालना है A1 V1 या निकालना है A2 V2, तो A1 V1 निकाल लें। तो रूल नंबर 1, A1 A2 दे रहे हैं, P1 माइनस P2 दे रहे हैं, अपने को अगर V1 पता लग जाए आंसर आ जाएगा, तो बर्नौलीज लगा लो, P1 बाय रो V1 स्क्वायर बाय 2, P2 बाय रो V2 स्क्वायर बाय 2, यहां से P1 माइनस P2 बाय रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो प्रेशर डिफरेंस तो दे रहे हैं, डेंसिटी भी दे रहे हैं, डेंसिटी भी दे रहे हैं,
यहां से वी टू और वी वन नहीं पता मुझे, दो वेरिएबल्स आ गए। और दूसरी क्वेश्चन क्या लगेगी, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, यहां से वी वन बाई वी टू की क्या जाएगी रेशियो। तो एक इक्वेशन वी टू वी वन की वो रही, एक इक्वेशन वी टू वी वन की ये रही, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी वन एंड वी टू कैन बी कैलकुलेटेड। एक बार वी वन आ गया फिर ए वन वी वन से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो दो ही चीजें लग रही हैं, या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या बर्नौलीज, ठीक है यहां तक? तो आइडिया दे रहा हूं कि आपको, देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो सिंपल, पिछले साल के पेपर ठीक ठाक इजी आया हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं अभी किया आपने, ठीक है? तो आई होप यहां तक क्लियर है। फिर बर्नौलीज के बाद हमने क्या किया था, हमने किया था एफ्लक्स। एफ्लक्स की शीट हमने कर ली थी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, रेंज, ये सब हमने किया था। ये करने के बाद हमने ये नहीं किया था, ये नहीं किया हमने, यहां से करना है।